दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है ट्रेड खिलाड़ियों की लिस्ट को लेकर। इसके बाद आईपीएल का ऑक्शन, आरसीबी के नए प्लेयर और भी कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि आज भारत नीदरलैंड के मैच में आप फ्री में 50,000 रुपये कैसे जीत सकते हैं और महिंद्रा थार कैसे जीत सकते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड, सबसे पहले बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल ऐप के बारे में, जिसका स्पेशल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करते ही बिल्कुल फ्री में 1500 रुपए मिलेगा और फर्स्ट डिपोजिट पर 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। और आज भारत नीदरलैंड के मैच में आप माई 11 सर्कल ऐप पर टीम बनाकर फ्री वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके 50,000 रुपए जीत सकते हैं और मेगा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करके आप महिंद्रा थार भी जीत सकते हैं। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाई वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है लखनऊ सुपर जायंट की टीम की तरफ से, और लखनऊ सुपर जायंट के ऑलराउंडर मार्कस एस्टोनिस ने बताया है कि आईपीएल ने उनके क्रिकेटिंग करियर में काफी बड़ा बदलाव किया और आईपीएल के चलते वो ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सक्षम है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल ऑक्शन से पहले एक ट्रायल कैंप कंडक्ट किया था, जो कि 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को कंडक्ट हो रहा है, यानी कि 26 अक्टूबर को ट्रायल कैंप खत्म हो चुका है और आज भी दिल्ली कैपिटल्स का ट्रायल कैंप स्टार्ट करवाया जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है केएल राहुल की तरफ से, और केएल राहुल ने विराट कोहली के ऊपर बड़ा बयान दिया, जहां पर केएल राहुल ने बताया है कि विराट कोहली के पास वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेस्ट कवर ड्राइव है, यानी कि केएल राहुल के अकॉर्डिंग विराट कोहली से बेहतरीन कवर ड्राइव क्रिकेट इतिहास में कोई भी बल्लेबाज नहीं मारता है। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप रिटेन प्लेयर्स को लेकर। तो हैदराबाद की टीम जिन खिलाड़ियों को 100% रिटेन करेगी, उसमें पहला बड़ा नाम आता है इस टीम के करंट कैप्टन यानी कि केन विलियमसन का। इसके बाद ये टीम एडन मार्करम को रिटेन करेगी। इसके बाद अभिषेक शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, राहुल त्रिपाठी और उमरान मलिक को हैदराबाद की टीम 100% रिटेन करेगी, और नटराजन को भी हैदराबाद की टीम रिटेन करती हुई नजर आएगी। यानी कि 15 नवंबर को जो रिटेंशन प्रोसेस है, तो 15 नवंबर को एसआरएच के ओनर खुद इन सभी प्लेयर्स के रिटेन का अनाउंसमेंट कर देंगे। तो आपके हिसाब से हैदराबाद की टीम को कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, उन सभी प्लेयर्स का नाम कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सी टीम के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं, जिस टीम के ऊपर सबसे अधिक से अधिक कमेंट आएगा उस टीम के रिटेन प्लेयर की लिस्ट हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ऑक्शन को लेकर। तो आईपीएल के ऑक्शन के ऊपर काफी बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहां पर आईपीएल ऑक्शन का डेट आ चुका है और 16 दिसंबर को आईपीएल का ऑक्शन होगा। हालांकि पहले अपडेट आ रहा था कि इस ऑक्शन को बेंगलुरु में कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन करेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी इंडिया से बाहर ये ऑक्शन होगा, जहां पर तुर्की में इस ऑक्शन को बीसीसीआई कंडक्ट करवाएगी। तो काफी हाईली चांस है कि तुर्की में आईपीएल 2023 का ऑक्शन देखने को मिल जाए, और ये ऑक्शन सिर्फ एक दिन में खत्म होगा, और ऑक्शन के लिए सभी टीमों के पास 15 नवंबर का तारीख है, और 15 नवंबर तक सभी टीमें अपने अपने रिटेन प्लेयर्स की ऑफिशियल लिस्ट रिवील कर देगी। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के ट्रेडिंग विंडो को लेकर। तो ट्रेड होने वाले कुछ बड़े प्लेयर्स के बारे में बात करें, तो पहला नाम आता है मार्कस एस्टोनिस का, और एस्टोनिस को गुजरात और बेंगलोर दोनों ही टीमों की तरफ से ट्रेड ऑफर मिला है। हालांकि अभी तक लखनऊ की टीम ने एस्टोनिस को ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं किया है। वहीं दूसरा नाम आता है वॉशिंगटन सुंदर का, और वॉशिंगटन सुंदर को चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ट्रेड ऑफर मिला, क्योंकि चेपॉक के स्टेडियम पर सुंदर काफी घातक गेंदबाजी कर पाएंगे और वो चेन्नई से भी बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि अगर हैदराबाद की टीम सुंदर को ट्रेड के लिए अवेलेबल करे, तो चेन्नई की टीम फटाक से
वाशिंगटन सुंदर को अपने स्क्वाड में ट्रेड करने के लिए राजी हो जाएगी। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे अंतिम प्लेयर है यहाँ पर रोमन पोवेल, जो कि करेंटली दिल्ली कैपिटल्स का भाग है, लेकिन रोमन पोवेल को आरसीबी की तरफ से ट्रेड का ऑफर मिला है और आरसीबी चाहती है कि पोवेल को ट्रेड किया जाए। हालांकि आरसीबी कई सारे फिनिशर के कॉन्टेक्ट में है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़ी टीम ने अपने बड़े प्लेयर्स को ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं किया है। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ड्राफ्ट विंडो को लेकर। तो ड्राफ्ट में बिकने वाले कुछ बेहतरीन ओपनर्स के बारे में बात करें तो पहला नाम आता है एलेक्स हेल्स का, और एलेक्स हेल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ऑक्शन में टारगेट करेगी और हैदराबाद और बेंगलोर की टीम भी टारगेट करेगी, क्योंकि इन टीमों को मुख्य ओपनर या फिर बैकअप ओपनर की तलाश है। इसके बाद इस लिस्ट के अगले बड़े प्लेयर है आरोन फिंच, और आरोन फिंच को ऑक्शन में गुजरात टाइटंस की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि गुजरात की टीम को बैकअप ओपनर की तलाश है। वहीं इस लिस्ट के तीसरे अंतिम प्लेयर है देवदत्त पड्डीकल, और पड्डीकल को अभी करेंटली कोलकाता की टीम संपर्क में, और कोलकाता चाहती है कि ऑक्शन में पड्डीकल को खरीदा जाए, लेकिन काफी कम ही चांस है कि राजस्थान की टीम पड्डीकल को ऑक्शन के लिए छोड़ेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के स्टार्टिंग डेट को लेकर। तो बीसीसीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि थर्ड वीक से, यानी कि मार्च के थर्ड वीक में आईपीएल 2023 का पहला मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो हाईली चांस है कि 21 या फिर 22 मार्च को आईपीएल 2023 का पहला मैच देखने को मिले, और इस बार 10 स्टेडियम पर आईपीएल के मैच होंगे, जहां पर सभी 10 टीमों को बीसीसीआई एक एक होम ग्राउंड प्रोवाइड करवाने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है टी20 वर्ल्ड कप को लेकर। तो टी20 वर्ल्ड कप में कल यहां पर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का मैच था, और इस मैच में न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये मैच बारिश के कारण धुल गया। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड को भी झटका लगा, क्योंकि इंग्लैंड जीता हुआ मैच आयरलैंड के हाथों डीएलएस मेथड के चलते हार गया। वहीं इस लिस्ट की दसवीं अंतिम अपडेट है इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के मैच को लेकर, जो कि 1:30 बजे से आज शुरू होगा, और इस मैच में आपके पास मौका है My11 सर्कल ऐप पर टीम बनाकर बिल्कुल फ्री का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके ₹50,000 जीतने का, क्योंकि 50,000 वाला कॉन्टेस्ट में आपको एक भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं आप मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके यहां पर महिंद्रा थार जीत सकते हैं। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भी डाउनलोड करें My11 सर्कल ऐप को। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।